तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रूप में। और आज मैं साउथ की मूवी लेके आया हूँ, जिस मूवी का नाम है जुर्म का रक्षक। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको ऐसा क्या नया दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में, और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा एक्शन। और इस मूवी की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे देवराज, विजय राघवेंद्रा, साई कुमार और शेरव्या राव। और ये मूवी भाई एक एवरेज मूवी से नीचे होने वाली है, और भाई इस मूवी में ना आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। और इस मूवी के प्रेजेंटेशन की बात करूं तो भाई इस मूवी का प्रेजेंटेशन मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, और इस मूवी की स्टोरी ना भाई बहुत ही वीक है। और मूवी में अगर कैरेक्टर की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई कैरेक्टर की परफॉर्मेंस तो ज्यादा खास नहीं है। और इस मूवी में भाई आपको देवराज का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा एज अ गेस्ट एक्सपीरियंस। और ये पूरी मूवी ना भाई दो दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है, और ये मूवी ना भाई अपने प्लॉट को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं होती है। मूवी में चल क्या रहा है आपको यही पता नहीं चलता, और इस मूवी की स्टोरी से ना आपको कनेक्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, और मूवी अपने आप में ना कहीं इम्पोर्टेंट फील नहीं कराती। और अगर इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें ना, तो इस मूवी में आपको साई राम का कैरेक्टर देखने को मिलेगा एक विलन के तौर पर, जो ना धर्मा को मारना चाहता है एक हीरे के पीछे। और वो कितनी बार ना धर्मा को मारने की कोशिश करता है और हमेशा धर्मा बच जाता है, और उसके पीछे किसका हाथ होता है ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और इस मूवी में जो जीवा का कैरेक्टर है, जब वो एक साहूकार को लूट के भाग रहा होता है ना, तो वहाँ पे धर्मा का कैरेक्टर उसका पीछे करता है और उसे 50% की मांग करता है। और जब वो मना करता है ना, तो कैसे भाई उसको पता चलता है कि मेरा खोया हुआ दोस्त है। और मूवी में जो जीवा का कैरेक्टर ना कैसे धर्मा को अपने काम में मिला लेता है, वो इसके साथ ना हवाला का भी काम करता है, जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट ना एक देश से दूसरे देश जाता है। और इस काम में ना बहुत से इलीगल धंधे भी होते हैं, और कैसे धर्मा का जो कैरेक्टर ना जीवा की बहन से प्यार करने लगता है, और इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो भाई कुछ टाइम तक ही चलता है, और इन दोनों के ब्रेकअप के पीछे ना किसका कारण होता है ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और मूवी में देखने को मिलेगा जो धर्मा की मौत का कारण क्या होता है, और जो बचपन में उसके हाथ में गन कहाँ से आई होती है, और जब भी गन उसके हाथ में रहती है ना, तो कैसे भाई उसके पास ना पैसा हमेशा रहता है, लेकिन वो ना उस गन से दूर भागना चाहता है, लेकिन वो गन हमेशा उसके पास आ जाती है, और वो कैसे, ये सारी चीजें भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें ना, तो भाई जब मैं इस मूवी को देख रहा था ना, ये मूवी भाई किसी भी एंगल से एंटरटेनिंग नहीं लगती, और इस मूवी को देखते समय ना भाई मैं बहुत बोर हो रहा था। और ये पूरी मूवी ना 2 घंटे के आसपास की है, और मुझे लगा यार ये मूवी खत्म क्यों नहीं हो रही, और इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं, तो भाई इस मूवी को आप स्किप कर सकते हो। इस मूवी में आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को नहीं मिलेगा, और ये मूवी भाई आपको किसी भी एंगल से ना इम्प्रेस नहीं करती, तो आप इस मूवी को स्किप कर सकते हो। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, वरना इस मूवी को देखने का आपका मजा खराब हो जाएगा। और अगर ये मूवी आपने देखी तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और इस मूवी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।